हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 30। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास में डाइलेक्ट्रिक जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक और दूसरा होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक वो होते हैं जिनके जो एटम्स के सेंटर हैं वो आपस में एक पॉइंट पे कोइंसाइड नहीं होते हैं। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक वो होते हैं जिनके सेंटर आपस में एक पॉइंट पे कोइंसाइड्स होते हैं। आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि यदि मान लीजिए एक डाइलेक्ट्रिक जो है उसको हम लोग दो पैरेलल प्लेट होंगी कैपेसिटर की, उनके बीच में रखेंगे तो डाइलेक्ट्रिक जो हो किस प्रकार से जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का उसको इंक्रीज कर देता है, वो हमको देखना है। तो वन बाय वन कुछ पॉइंट्स हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ये समझना ज़रूरी है क्योंकि इसके भी यहाँ पर हम लोग जो आगे चीज़ें करने वाले हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो हमारे पास में दो प्लेट्स होती हैं, एक प्लेट जो होती है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरी प्लेट जो होती है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जब इन दोनों प्लेट के बीच में जो कि पैरेलल प्लेट्स होती है कैपेसिटर के अंदर, हम लोग जानते हैं इस तरीके से जो पैरेलल प्लेट्स होती हैं उनके बीच में जब हम लोग किसी डाइलेक्ट्रिक को फिल करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक को फिल करने के कारण जो हमारे पास में सिचुएशन बनेगी वो कुछ इस तरीके की बनेगी कि हमारे पास में दो प्लेट होंगी और इस दोनों प्लेट के अंदर हम लोगों ने इस डाइलेक्ट्रिक को जो है फिल कर दिया। तो ए बी सी डी जो है डाइलेक्ट्रिक को जो हम लोगों ने फिल किया है इस तरीके से, तो ये जो सिचुएशन है हमारे पास में वॉल्यूमेट्रिक फिलिंग है क्योंकि यहाँ पे लेंथ है, एरिया है और ब्रेथ है। मीन्स यहाँ पे लेंथ, विड्थ और हाइट, डेट मीन्स एल बी और एच तीनों चीज़ें होंगी इस पर्टिकुलर प्लेस के लिए। तो हम लोग कहेंगे कि हम लोगों ने जो डाइलेक्ट्रिक को फिल किया है वो है वॉल्यूमेट्रिक कॉम्बिनेशन या वॉल्यूमेट्रिक फॉर्म। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास में दो प्लेट थी जिसके पास में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस था, उसके अंदर हम लोगों ने एक डाइलेक्ट्रिक को वॉल्यूमेट्रिक जो है फिल किया है। हम लोग ये जानते हैं कि ये जो डाइलेक्ट्रिक हम लोगों ने फिल किया है इसके अंदर, ये हमारे पास में नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक वो होते हैं जिनके जो सेंटर है वो एक पॉइंट पे कोइंसाइड होते हैं। जब हम लोग एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे प्लस और माइनस, तो जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो रिपेल होंगे इस पॉजिटिव चार्जेस से और रिपेल होकर वो किधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। या ये कहें कि पॉजिटिव चार्जेस जो हैं उनको ये नेगेटिव चार्जेस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ये जो नेगेटिव चार्जेस होंगे ये इन नेगेटिव चार्जेस का रिपल्सन होंगे और रिपल्सन होकर ये जो नेगेटिव चार्जेस ये हमारे पास में यहाँ पर आ जाएंगे। या ये कहें कि ये पॉजिटिव चार्जेस जो हैं यहाँ से नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ ही खींच लेंगे। ठीक है, तो यदि पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के द्वारा एक दूसरे के ऊपर खींच लिए जाएंगे तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं जिनके पॉजिटिव नेगेटिव जो सेंटर थे वो एक थे, अभी पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर दूर दूर हो जाएंगे और वो अलाइन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगे, अलाइन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ ही हो जाएंगे। हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ पे ये जो माइनस आया है और यहाँ पे ये जो हमारे पास में प्लस आया है, तो इस माइनस के कारण और इस प्लस के कारण एक हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। तो हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी वो थी पहले जो प्लस थे और पहले जो माइनस थे उनके कारण, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी प्लस से लेके माइनस तक, तो ये थी प्लस से लेके माइनस तक जिसको हम लोगों ने बोला था ई नोट। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बनी प्लस से लेके माइनस तक जिसको हम लोगों ने बोला कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, क्योंकि यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुई तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, माइनस को इधर खींचा और प्लस को इधर खींचा, तो ये एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है इसलिए हम लोगों ने इसको बोला ई इंड्यूस्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड। हम लोग ये देखते हैं कि माइनस चार्जेज यहाँ पे आके जमा हो गए, प्लस चार्जेज यहाँ पे आके जमा हो गए, लेकिन इन बिटवीन दिस जितने हमारे पास में प्लस है उतने हमारे पास में माइनस है, तो रिजल्टेंट कितना हमारे पास में, तो इन बिटवीन दिस द टोटल रिजल्टेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। तो चार्जेस कहाँ गए, तो आंसर है इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के चार्जेस इस सरफेस के ऊपर आ गए
इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड जो हुई है उसके चार्ज जो है इस सरफेस पे आ गए। तो हम लोगों ने जो डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर फिल किया था वो हम लोगों ने वॉल्यूमेट्रिक फिल किया था, लेकिन उसके जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं वो हमारे पास में सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए। मतलब जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी के रूप में डिस्ट्रीब्यूटेड हुए, सरफेस चार्ज डेंसिटी के रूप में डिस्ट्रीब्यूटेड हुए। ओके, तो वॉल्यूमेट्रिक फिल किया लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हुआ है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और हम लोग ये जानते हैं कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसको हम लोग लिखते हैं सिग्मा से। और जब दो प्लेट के बीच में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पहले हम लोग इस पॉजिटिव के लिए और इस नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बिटवीन द टू प्लेट, तो आ जाएगा हमारे पास में सिग्मा नोट अपॉन एप्सिलॉन नोट, वो जो है यहाँ पे ओरिजिनल दिखाते हैं। इसी प्रकार से हम लोग जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो आ जाएगी सिग्मा इंड्यूस्ड अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये हो जाएगी हमारे पास में इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि इस डाइलेक्ट्रिक के रखने के कारण ये जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड थी इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। तो मान लीजिए हमारे पास में ओरिजिनल जो चार्जेस थे वो था हमारे पास में 10, ये वाले जो प्लस थे ये थे हमारे पास 10। अब इसके पास में ये जो माइनस आए, ये माइनस आ गए मान लीजिए फॉर एग्जांपल माइनस के 4। तो पहले जिसके पास में प्लेट के ऊपर टोटल नेट चार्जेस 10 थे, अभी माइनस 4 आ गए, तो रिजल्टेंट जो इसका नेट चार्ज बनेगा वो हमारे पास बन जाएगा 10 माइनस का 4 दैट इज इक्वल टू 6। तो अभी इसका जो 6 इसके पास हो गए दैट मीन्स इसके पास में पहले 10 थे, एक नेगेटिव चार्ज आने के कारण इसके पास में 4 बच गए, अब इसका रिजल्टेंट 6 बचा है, दैट मीन्स वी कैन ऐड 4 मोर चार्जेस टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। तो ये जो डिक्रीज हुआ कैपेसिटेंस किसकी वजह से डिक्रीज हुआ, तो आंसर है इस कैपेसिटर की वैल्यू, कैपेसिटेंस के जो पोटेंशियल था इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस था जो पहले 10 था, हम लोगों ने नेगेटिव चार्जेस के पास लेके आया जिसकी वजह से इसका कैपेसिटेंस 6 रह गया, दैट मीन्स वी कैन गिव 4 चार्जेस मोर टू दिस प्लेट, देयरफॉर द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर विल इंक्रीज। ओके, तो यदि इंक्रीज हो जाएगा किसकी वजह से, तो आंसर ये डाइलेक्ट्रिक हम लोगों ने इसके अंदर रखा जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो गया। ओके, नाउ यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूँ तो हम लोग ये जानते हैं कि हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल थी उसमें से हमारा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड घटा देंगे क्योंकि ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारे पास में बच जाएगा ई नेट। नेट क्या है यहाँ पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है जो डिक्रीज हो गई है। क्यों क्यों डिक्रीज हो गई है, क्योंकि मान लीजिए पहले टोटल जितनी थी उसमें से इंड्यूस्ड घटा दीजिए तो जो बचेगी वो ओरिजिनल से क्या मिलेगी हम लोगों को, कम मिलेगी। ठीक है, तो एक डाइलेक्ट्रिक जो है वो किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के अंदर रखने के कारण उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वैल्यू को जो है वो इंक्रीज कर देता है। ओके, हम लोग ये जानते हैं कि ये जो डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर था हमारे पास, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, इस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में हमारे पास में जो सेंटर ऑफ चार्जेस थे वो दोनों के दोनों कौन साइड थे, लेकिन जब हम लोगों ने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो जो चार्जेस थे वो नेगेटिव इधर चले गए और पॉजिटिव इधर चले गए और इन दोनों के बीच में जो है एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो गया। इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव के बीच में एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बना है ये डिपेंड करता है कि हम लोगों ने यहाँ पे कितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। यदि हम लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट जो बना है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ बनेगा, कम करेंगे तो कम तेज़ी के साथ बनेगा। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना बनेगा, किसका, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का। तो वी कैन से दैट पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई उतना ही हमारे पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ई। जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो ये आ जाएगा पी इज इक्वल टू साई ई एप्सिलॉन नॉट, पी इज इक्वल टू एक्स ई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है वो हमारे पास में मीडियम कॉन्स्टेंट, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि दो पैरेलल प्लेट्स हैं उनके बीच का जो मीडियम है वो एयर हो सकता है, वैक्यूम हो सकता है, समथिंग एल्स हो सकता है, तो जो ई नोट है वो हमारे पास मीडियम कॉन्स्टेंट है। साइज जो है यहाँ पे कहलाएगा एक कॉन्स्टेंट, और इस कॉन्स्टेंट का हम लोगों ने साइज जो कहलाएगा एक कॉन्स्टेंट, और इस कॉन्स्टेंट का हम लोगों ने एक नाम दिया हुआ है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी।
इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी और सिंपली वी कैन कॉल साई साई। तो यहाँ से साई की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा पी अपॉन ई इंटू में एप्सिलॉन नॉट। यदि ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यदि मैं वन मान लूँ और यहाँ पे जो मीडियम है उसको कॉन्स्टेंट में वन मान लेता हूँ तो जो एक्स की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास में इक्वल टू पी। दैट मीन्स जब हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल डेवलपमेंट होता है डेवलप्ड होता है कब, जब उसके अंदर एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अप्लाई की जाती है, तो वैल्यू एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास में पी। इसको डेफिनेशन को हम लोग एक बार देख लेते हैं फिर से। द इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए डाई इलेक्ट्रिक मेजर्ड बाई डाइपोल मोमेंट डेवलप इन इट व्हेन ए यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस इट। जब किसी भी दो प्लेट के बीच में एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो उसके दौरान जो जनरेट होने वाली डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है दैट इज को इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी है वो बन जाएगी हमारे पास में वन यूनिट। ओके आगे आता हमारे पास में डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे पास में दो पैरेलल प्लेट है और दो पैरेलल प्लेट का जो बीच का डिस्टेंस है वो हमारे पास में डी है। इस पैरेलल प्लेट पे जो हमारे पास में ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पॉजिटिव से चलती है और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट होती है वो हमारे पास में ई नोट। यहाँ पे हम लोगों ने एक डाइलेक्ट्रिक जो है इसके अंदर भरा हुआ है जिसकी वजह से इधर नेगेटिव आ जाएगा इधर पॉजिटिव आ जाएगा और ये एक पॉजिटिव नेगेटिव एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बनाएगा। तो ई नोट जो है यहाँ पे हो जाएगा ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, ई इंड्यूस्ड जो है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचेगा, तो जो ओरिजिनल थी उसमें से इंड्यूस्ड घटा दीजिए तो हमारे पास में कितना बच जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई इज इक्वल टू बच जाएगा ई नोट माइनस का ई इंड्यूस्ड। ठीक है, तो जब हम लोग एक रेशियो की बात करते हैं कि हमारे पास में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी अप्लाई की थी और डिवाइडेड बाय जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रिड्यूस हो गई है दोनों के बीच का रेशियो, दैट इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। इट इज़ द रेशियो ऑफ द ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द नेट, नेट मतलब कितनी रिड्यूस होने के बाद में कितनी बची है, दैट इज कॉल्ड नेट। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ द ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू के, और के यहाँ पे कॉन्स्टेंट कहलाता है और इस कॉन्स्टेंट को हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ये जो डाइलेक्ट्रिक हम लोगों ने अभी देखा इससे पहले वाले में कि एक डाइलेक्ट्रिक रखने से जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है, सॉरी डाइलेक्ट्रिक रखने से कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है लेकिन जो उसको नंबर ऑफ चार्जेस का जो पोटेंशियल है वो हमारे पास में डिक्रीज हो जाता है। कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है बट पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो जाता है क्योंकि चार्जेस जो है वो पोटेंशियल को बनाते हैं और कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है वो कितने चार्जेस को अपने अंदर समा सकता है रख सकता है। ठीक है, ओके, तो उसकी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है वो हम लोगों को अभी करना है कि हाउ डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट्स ए कैपेसिटर। तो वही सेम सिचुएशन हमारे पास में दो पैरेलल प्लेट्स दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है, ई नोट जो हमारे ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है और ई इंड्यूस्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस डाइलेक्ट्रिक के कारण बनी है। हम लोग ये जानते हैं कि सी इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन वी। सबसे पहले हमारा जो बेसिक फॉर्मूला था कैपेसिटर का वो था सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। एक रिलेशनशिप हम लोगों ने पढ़ा था पोटेंशियल के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, दैट इज इक्वल टू डी वी इज इक्वल टू ई डी आर, मतलब ई इज इक्वल टू था डी वी अपॉन डी आर। और सिग्मा हम लोगों ने पढ़ा था सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो था चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू उठाएंगे तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा ए, वी की वैल्यू उठाएंगे तो वी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में ई डी। तो इसको इक्वेशन नंबर वन लिख देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हमारे पास में नॉर्मल सिचुएशन है लेकिन जब इसके बीच में हम लोग डाइलेक्ट्रिक पुट कर देंगे तो हम लोग ये जानते हैं कि बाय द रिलेशनशिप ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग ई नोट अपॉन ई नेट इज इक्वल टू के, के को नीचे लेके जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा ई नेट, तो ई नेट कितना आ जाएगा ई नोट अपॉन के। तो हम लोग ये जानते हैं कि ई नेट की वैल्यू कितनी है ई नोट अपॉन के। ये कब आएगा, जब हम उससे पैरेलल प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है उसको डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को उसके अंदर रख देंगे। तो हमारे पास में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखने का कारण हम लोग ये जानते हैं कि कैपेसिटर्स की जो कैपेसिटेंस की वैल्यू वो इंक्रीज हो जाती है उसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। तो हमारे पास में एक नया कैपेसिटेंस बनेगा दैट इज इक्वल टू सी डैश। तो यहाँ से आ जाएगा सिग्मा ए अपॉन ई नेट जो है उसकी जगह पर हम लोग पुट कर सकते हैं ई नोट अपॉन के इंटू में डी। ये के जो है ऊपर जाएगा तो के इंटू में सिग्मा इंटू में ए डिवाइडेड बाई ई नोट की। हम लोग ये जानते हैं कि दो पैरेलल प्लेट होती है कैपेसिटर की
उनके बीच की जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों ने काउंट की थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पीछे, तो यहाँ से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, इसको पूरे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सी डैश इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो ये वाला जो फॉर्मूला था हमारे पास में, ये था हमारे पास में ओरिजिनल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था कि पैरेलल कैपेसिटर जो होता है वो उसका कैपेसिटेंस किस किस चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये था हमारे पास में ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करता था, जिसमें ए था एरिया और डी था उसका डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट। तो ये जो हमारा नया कैपेसिटेंस है और ये जो फॉर्मूला था हमारे पास वो पुराने कैपेसिटेंस का था, तो नया जो कैपेसिटेंस होगा डाइलेक्ट्रिक रख देने से कैपेसिटर के अंदर वो पुराने कैपेसिटेंस का के टाइम्स हो जाएगा। यदि के की वैल्यू 3 है तो नया कैपेसिटेंस पुराने कैपेसिटेंस का 3 टाइम हो जाएगा, यदि के की वैल्यू 5 है तो नया कैपेसिटेंस पुराने कैपेसिटेंस का 5 टाइम्स हो जाएगा। तो हम लोग ये जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक रख देने से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो के टाइम्स जो है इंक्रीज हो जाती है, इसलिए के की वैल्यू जो है ऑलवेज होगी ग्रेटर देन 1। और यदि हम लोग स्पेस या वैक्यूम की बात करते हैं तो के की वैल्यू हो जाएगी 1, बाकी मीडियम्स के लिए के की वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है। यदि हम लोग रेशियो निकालना चाहते हैं कि पुराने कैपेसिटेंस वर्सेस टू द न्यू कैपेसिटेंस, तो ये आ जाएगा सी डैश अपॉन सी, दैट इज न्यू कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय पुराना कैपेसिटेंस इज इक्वल टू के, और जो नया कैपेसिटेंस होगा दैट इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ द पुराना कैपेसिटेंस, के टाइम्स ऑफ द पुराना कैपेसिटेंस, ठीक है। तो वी कैन से दैट न्यू कैपेसिटेंस विल बी के टाइम्स ऑफ द ओल्ड कैपेसिटेंस। आगे देखिए, दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बट थोड़े से आपको देखना पड़ेगा ध्यान से। हमारे पास में एक कैपेसिटेंस है एक कैपेसिटर का, और उसके अंदर हम लोगों को एक कंडक्टिंग स्लैब रखना है। कंडक्टिंग स्लैब मतलब एक ऐसी स्लैब जिसके अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, दैट मीन दैट विल बिहेव लाइक एज ए कंडक्टर। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास में एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, जहाँ पे ए एरिया होता है डी उसका डिस्टेंस होता है। मैं मान के चलता हूँ कि हमारे पास में दो पैरेलल प्लेट्स हैं जिसको हम लोगों ने प्लस क्यू चार्ज दिया और माइनस क्यू चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। ये एक कंडक्टिंग स्लैब है जो टी नाम की इसका डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो कंडक्टिंग स्लैब है उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा टी, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उनका डिस्टेंस है डी। ये जो वाली जो हमारे पास में प्लेट है इसके ऊपर हम लोगों ने प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है, जिसके पास में एक लीनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ये एक प्लेट है जिसके पास ऊपर हम लोगों ने माइनस का क्यू चार्ज दिया हुआ है, जिसके पास में लीनियर चार्ज डेंसिटी भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास बनती है ओरिजिनल, तो वो बनती है प्लस टू माइनस, तो ये प्लस और इस माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, दैट इज कॉल्ड ई नॉट, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल। हम लोग ये जानते हैं कि इन पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से हमारे पास में एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ही डायरेक्शन में होगी। ये हमारे पास में कंडक्टिंग स्लैब है, तो हम लोग ये देखते हैं कि इस कंडक्टिंग स्लैब के अंदर जितने हमारे पास में नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेज उतने ही नेगेटिव है, और जितने नेगेटिव उतने हमारे पास में पॉजिटिव चार्जेज है इस कंडक्टिंग स्लैब के अंदर। तो इस कंडक्टिंग स्लैब के अंदर नेट चार्ज जो जीरो हो जाएगा, और नेट चार्ज जीरो हो जाएगा तो हम लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्जेस बनाते हैं, तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कितनी हो जाएगी हमारे पास में जीरो। तो हमें जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट मीन्स ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो अप्लाई होगी किस किस के दौरान, तो इस एरिया के दौरान, इस एरिया के दौरान और इस एरिया के दौरान। इस पूरे एरिया के दौरान जो है किसी भी प्रकार की कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि इस पूरे एरिया के दौरान इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो है। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये कंडक्टिंग स्लैब है जिसका एरिया ए है, थिकनेस इसकी डी है, और ये जो थिकनेस डी है ये छोटी है किससे, हमारे सॉरी थिकनेस जो टी है वो छोटी है हमारे किससे, कैपिटल, ये जो हमारा डिस्टेंस है दो प्लेट्स के बीच का उसके डी से छोटी है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे देखिए, द ओरिजिनल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ एग्जिस्ट ओवर ए डिस्टेंस डी माइनस का टी। जैसा हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इस पूरे के दौरान जो टी है, सॉरी इस पूरे टी के दौरान जो हमारा ई है वो जीरो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस और इस एरिया के अंदर रहेगी, मतलब कि टोटल हमारा डी था तो डी में से टी घटा दीजिए, उस एरिया के अंदर हमारी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी।
तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। तो रेनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अभी एग्जिस्ट करेगी डी माइनस पी एरिया के अंदर। तो दो प्लेट का जो पोटेंशियल डिफरेंस बच जाएगा इसको हटाने के बाद में, वो बच जाएगा हमारे पास में अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप डी इज इक्वल टू ई डी आर होता है। तो ये बचेगा वी इज इक्वल टू ई नोट डी माइनस का टी। यहाँ पे जो टी है वो इंडिकेट करता है कि जो कंडक्टिंग स्लैब डाली है उसका थिकनेस को इंडिकेट करता है। एक बेसिक फॉर्मूला जो हम लोग जानते हैं कैपेसिटेंस का, दैट इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। इस फॉर्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे तो क्यू की वैल्यू जो है वो आ जाती है हमारे पास में सिग्मा इंटू में सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला आता है क्यू अपॉन एल। वी जो है हमारे पास में यहाँ से निकाला हम लोगों ने, ये वैल्यू यहाँ पे पुट किया। सिग्मा जो होता है वो आ जाएगा हमारे पास में जब दो प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का हम लोगों ने निकाला हुआ है ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट टू पैरेलल प्लेट के बीच का कैपेसिटेंस। तो ये जो सिग्मा है यहाँ से निकालें तो इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। और ये वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया है एज इट इज़, और यहाँ पे जो जो कट रहा है उसको हम लोगों ने काट दिया। तो यहाँ पे जो सी है उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस का टी। हम लोग एक काम करते हैं इसको डी से डिवाइड कर देते हैं। तो जब इसको डी से हम लोग डिवाइड करेंगे न्यूमेटर को डिनोमेटर को, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी वन माइनस का डी अपॉन टी। डी से डी कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा वन माइनस का टी अपॉन डी। ये पूरा जो है ये हमारे पास में कहलाता है ओरिजिनल कैपेसिटेंस। और जो ये सबसे पहले हमने कहाँ लिखा था, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द ओरिजिनल कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर सी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट ए अपॉन डी। तो ये आ जाएगा सी नॉट और वन माइनस का टी अपॉन डी। मतलब कि हमारा नया जो कैपेसिटेंस है सी, वो पुराने कैपेसिटेंस में से क्या हो रहा है, कुछ ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स हमारा पुराना कैपेसिटेंस है उसको हम लोगों ने किसी वैल्यू से डिवाइड किया है। तो यदि पुराने कैपेसिटेंस को किसी वैल्यू से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, या ये कहें कि पुराने कैपेसिटेंस में समथिंग इज डिक्रीजिंग, समथिंग इज डिक्रीजिंग, तो यदि पुराने कैपेसिटेंस में से कुछ डिक्रीज हो रहा है और वो किसकी तरफ जा रहा है, नए कैपेसिटेंस की तरफ जा रहा है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो नया कैपेसिटेंस है उस कैपेसिटर की वैल्यू जो है पुराने कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से ज़्यादा होगी। इसलिए एक कंडक्टिंग स्लैब को एक टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर रखने से उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ओके, हमारा जो दूसरा एक्सपेरिमेंट होगा उसमें हम लोग एक कंडक्टिंग स्लैब की जगह हम लोग क्या करेंगे, एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे। क्योंकि कंडक्टिंग स्लैब कंडक्टर की बनी होती है, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो हमारे पास में नॉन इंसुलेटर की, इंसुलेटर की बनी होती है। ठीक है, और इंसुलेटर क्या कहलाता है हमारे पास में, डाई इलेक्ट्रिक। और डाई इलेक्ट्रिक के दो पार्ट थे, पोलर एंड नॉन पोलर। तो हम लोग नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो है उनको इस कंडक्टिंग स्लैब की जगह पर यूज़ करने वाले हैं। तो एक्सप्रेशन देखिए, एक्सप्रेशन से हमारे पास में कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो सारी चीज़ें वही कि हमारे पास में एक दो पैरेलल प्लेट्स हैं उनके बीच का जो कैपेसिटर्स होता है उसका कैपेसिटेंस होता है सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। यहाँ पे एरिया है और डी जो है दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है। तो इसकी थ्योरी देखते हैं हम लोग, ये दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है। जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसके भी जो थिकनेस है वो हमारे पास में टी है, और ये टी जो है छोटा है किससे, हमारे जो हमारा दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है डी, उससे ये छोटा है। ये जो प्लेट है इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी प्लस का क्यू, और ये जो प्लेट है उसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी माइनस का क्यू। ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी हमारे पास में दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव, तो हम लोगों ने इंडिकेट किया है ई ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओ जो है इंडिकेट करता है ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो ये अपनी एक खुद की इंडस्ट्री इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा, और वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शंस में होगी। तो जो हमारे पास में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच जाएगी वो बच जाएगी ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस का ई पी। ठीक है, तो ये जो ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस का ई पी होगी ये हमारे पास में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें हमारे लिए काम करेंगी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बनेगी हमारे पास में इन बिटवीन, मतलब कि डाइलेक्ट्रिक के बाहर इधर ये और ये, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी हमारे पास में इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे
दो इलेक्ट्रिक फील्ड रहते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने बना दी एयर, एयर मतलब कि डाइलेक्ट्रिक के बाहर, और एक हम लोगों ने बना दी इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक दैट इज इक्वल टू वी डाइलेक्ट्रिक। तो दोनों के लिए हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ से आ जाएगा वी इज इक्वल टू जो हमारी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ से कहाँ तक अप्लाई हो रही, तो वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इसके अंदर अप्लाई नहीं हो रही। तो ये जो ये वाला जो डिस्टेंस यदि हम लोग टोटल ये डिस्टेंस डी है, तो इस डी डिस्टेंस में से इस टी को हम लोग सबट्रैक्ट कर दें तो ये कितना बचेगा, डी माइनस का टी। और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में जो डाइलेक्ट्रिक की बनी है वो किसके लिए बनी है, इस थिकनेस के लिए, जो कितनी हो जाएगी हमारे पास में ए इंटू में टी। हम लोग कुछ फॉर्मूले जानते हैं पहले से, जैसे कि सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए, और दो पैरेलल प्लेट बीच कैपेसिटर के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ई नोट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, और डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो होता है वो होता है ई नोट अपॉन ए इज इक्वल टू के। ये तीनों फॉर्मूले हम लोग पहले निकाल चुके हैं, तो वन बाय वन फॉर्मूलों को हम लोग इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं। तो सी की वैल्यू हम लोग जानते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी। हमारा जो बेस फॉर्मूला है किसी भी क्वेश्चन को शुरू करने का वो यही रहेगा कि सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी, क्योंकि किसी भी कैपेसिटर का जो मेन उद्देश्य है, मेन इंटेंशन है, वो कहाँ से शुरू होता है, तो उसकी कैपेसिटेंस से शुरू होता है, उसको कितना चार्ज दिया गया है, उसकी इसकी वजह से उसका पोटेंशियल कितना इंक्रीज हुआ, ये कैपेसिटर का मेन यू नो ये कैपेसिटर का मेन जो बिगिनिंग होगी किसी भी कैपेसिटर को समझाने की, वो यहाँ से होगी। तो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी, तो यहाँ से क्यू जो है उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालें, तो आ जाएगा सिग्मा ए ई नोट डी माइनस का टी प्लस का ई टी। वी जो हम लोगों ने यहाँ से पुट कर दिया, सिग्मा जो ए सिग्मा है तो यहाँ से सिग्मा वैल्यू निकालें, ई नोट इंटू एप्सिलॉन नोट, ई नोट इंटू एप्सिलॉन नोट इंटू में, यहाँ से जो ई है तो ई की वैल्यू हम लोग ये के नीचे आ जाएगी, ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगी ई नोट अपन के इंटू में टी, इंटू में टी एडिटिव सोल्व किया हम लोगों ने, ई नोट से ई नोट कैंसिल हो जाएगा, जो जो चीज़ें हमारे पास बचेंगी ये हमारे पास चीज़ें बच गई। इसको हम लोगों ने और सोल्व किया, ब्रैकेट को ओपन किया, यहाँ से हम लोगों ने ब्रैकेट को ओपन किया, तो ये आ जाएगा डी माइनस का टी प्लस का टी अपॉन के। यहाँ से हम लोगों ने टी कॉमन ले लिया, तो टी कॉमन लेने पे क्या आ जाएगा, वन माइनस का वन अपॉन के। अगेन ये जो हमारे पास फॉर्मूला बना ई नोट अपॉन ए अपॉन डी, ये हमारे पास में ओरिजिनल फॉर्मूला था, ये हमारे पास ओरिजिनल फॉर्मूला था, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि जो नया कैपेसिटेंस हमारे पास में आया सी, ये हमारा जो पुराना कैपेसिटेंस उससे कितना है, इतने टाइम्स इंक्रीज हुआ है, मतलब यहाँ पे कुछ डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज़ कहाँ होगा, तो पुराने कैपेसिटेंस में से कुछ डिक्रीज होना, तो वो डिक्रीज किसकी तरफ इंक्रीज हो जाएगा, नए कैपेसिटेंस की तरफ इंक्रीज हो जाएगा। तो दैट मीन्स जो सी आएगा हमारे पास में वो आएगा नए कैपेसिटेंस से ज़्यादा, ठीक है। तो एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट के अंदर रखने से उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है इंक्रीज हो जाता है। मान लीजिए ये जो हमारी टी है, ये जो टी है ये इसको मैं और इंक्रीज़ कर दूँ, और इंक्रीज़ कर दूँ, और इसको इंक्रीज मर करके कितना कर दूँ, आंसर इसको यदि मैं डी तक कर दूँ, मतलब ये जो थिकनेस बढ़ा के यदि मैं इस थिकनेस को टी को डी कर दूँ, तो ये पूरा इसके अंदर फिट हो जाएगा। तो जब मेरा टी जो है वो डी बन जाएगा, तो यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं, टी जब मेरा डी बन जाएगा तो ये हमारे पास में आ जाएगा नोट ए अपॉन डी माइनस का डी, क्योंकि टी की वैल्यू क्या बन जाएगी, डी और डी अपॉन के, ठीक है। ई के कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। यही फॉर्मूला बेटा याद करो कि हम लोगों ने पीछे निकाला है, कि जब सी की वैल्यू हम लोग एक डायलैक्ट्रिक एंटर करने से क्या चेंज होता है, तो हम लोगों ने एक रेशियो निकाला था सी अपॉन सी डैश, सी अपॉन सी डैश इज इक्वल टू के, सी डैश अपॉन सी इज इक्वल टू के, तो सी डैश कितना आ गया था हमारे पास में, के अपॉन सी, ये हम लोगों ने निकाला। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जो हमारा सी डैश है वो कितना है, के रेशियो ऑफ ए ओल्ड, ठीक है। दूसरा, यदि हमारे पास में इस टी की वैल्यू जीरो कर दूं मैं, ये जो थिकनेस हमारे पास दी हुई है इस थिकनेस की वैल्यू मैं जीरो कर दूं, तो क्या होगा, यदि टी की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो हमारा जो फॉर्मूला है हमारे पास में यहाँ पे, तो टी की वैल्यू जीरो, तो टी की वैल्यू जीरो, तो जीरो अपॉन वन क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास नोट अपॉन टी की वैल्यू जीरो, तो ये आ जाएगा हमारे पास में डी। मतलब कि जब हम लोग किसी भी प्रकार का कोई भी डाइलेक्ट्रिक किसी भी कैपेसिटर के अंदर ऐड नहीं करेंगे, उसके अंदर नहीं रखेंगे, तो यही हमारे पास में क्या था, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर ऑफ ए कैपेसिटेंस, जो हम लोगों ने सबसे पहले निकाला था, ठीक है। तो व्हाट वी कंक्लूड दैट,
किसी भी कैपेसिटर का जो डाइलेक्ट्रिक रखने से कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है, चाहे हम लोग कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक जो है कंडक्टिंग स्लैब को रखें या फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखें, उससे मैटर नहीं करता। डाइलेक्ट्रिक रखने से या फिर ये कहें कि कंडक्टिंग स्लैब रखने से कैपेसिटेंस का जो कैपेसिटेंस 100% इंक्रीज होता है। ठीक है, कल हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए यही पढ़िए बेटा। थैंक यू वेरी मच।